आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ भिलवाड़ा ने महिला एवं बाल विकास कार्यालय उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष सुशीला जोशी ने बताया कि आशा सहयोगिनी कर्मचारी के द्वारा घर घर जाकर कोविड-19 टेस्ट के लिए सर्वे किया। सर्वे के दौरान आशा सहयोगिनियों को समुदाय विशेष के लोग आए दिन परेशान करते हैं तथा कहते हैं जबरदस्ती हमें कोरोना पीड़ित बताकर हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहती है। इस प्रकार समुदाय विशेष के लोग कोरोना सर्वे संबंधित जानकारी नहीं देते हैं और उल्टा आशा सहयोगिनी के साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है। 22 मार्च 2020 से आशा सहयोगिनी को जून 2020 तक 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिली। कोविड-19 के सर्वे के लिए दिए जा रहे थे, अब जुलाई और अगस्त की राशि नहीं दी गई। इस बीच आशा सहयोगिनियों ने 1 सितंबर 2020 को हर डिस्पेंसरी पर डॉक्टर MCMHO को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि वे कोरोना का सर्वे तब करेंगी जब उन्हें कोविड-19 की राशि मिलेगी तथा आशा सहयोगिनी को स्वास्थ्य विभाग से हर कार्य करने की राशि दी जाती है। आशा सहयोगिनी ने विरोध जताते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास CDPO LS यास्मिन पठान एवं गंगा खींची आशा सहयोगिनियों को अधिकारियों के द्वारा मानदेय एवं नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। जिला मंत्री सीता सोनी, सुनीता ट्रेलर, इंदिरा खटीक, शांता जाट, छोटी जिंगर, अर्चना सोलंकी, रेखा पाराशर, सबीना बानो आदि ने विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा। सुशीला जोशी, आज कोरोना महामारी के सर्वे को हम बंद कराने के लिए सभी आशाएं यहां पर ICDS विभाग पहुंची हैं और हमने DD साहब को और शिवा मैडम जो हमारी CDPO है उनको हमने यहां पर ज्ञापन दिया। ये हमारे को बहुत ही प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, ये हमारा मानदेय काट रहे हैं, नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जब तक आप कोरोना महामारी का सर्वे नहीं करोगी, जब तक तुम्हारे को NM मैडम के साइन करा के नहीं लाओगे, जब तक मैं हम तुम्हारा मानदेय नहीं बनाएंगे। ये कौन होती है हमारा मानदेय रोकने वाले, जब राज्य सरकार ने ही नोटिस निकाल दिया है कि कोरोना सर्वे के बंद हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि जब हमने 2 सितंबर 2020 को मैंने खुद लेटर लिखा था मुख्यमंत्री जी को, उसके आदेशानुसार 7 सितंबर 2020 को ये वापस हमारे को जवाब आया है कि उसके अंदर आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता और सहायिका तीनों ही आंगनबाड़ी का रूटीन एक्टिविटीज का सारा काम करेगी और अपनी आंगनवाड़ी पे अपनी सेवाएं देंगी, आंगनवाड़ी पे ही अपना काम करेंगी। उसके बावजूद भी हमारे को NM LS और सुपरवाइजर और NM मैडम सभी हमारे को परेशान कर रही है, CDPO मैडम परेशान कर रही है कि तुम्हारा मानदेय नहीं बनाया जाएगा वहां पर। अगर यही रवैया रहा आशा सहयोगियों के प्रति, तो आशा सहयोगी एक दिन सड़कों पे आएगी और बहुत बड़ा बहिष्कार करेगी काम का। भारत माता की जय। क्या नाम का? सुशीला जोशी।